हाय गाइस, मैं शांतनु और जैसे कि तुम्हें पता ही है जरा हटके जरा बचके रिलीज हो चुकी है। और सही बताऊं तो वेरी ऑनेस्टली सेइंग मैं इस पिक्चर के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, बट बीइंग अ फैन ऑफ विकीज, गोविंदा नाम मेरा याद है, वो भी ऐसे ही चुपचाप से आई थी एंड इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। तो क्या जरा हटके जरा बचके एक प्लेजेंट सरप्राइज है, और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या इसको थिएटर में देखने जाना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, इसी बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइज, आजकल के हाइपर मसाला सिनेमा के जमाने में कुछ चुनिंदा स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में ऐसी देखने को मिलती हैं जिनको देखने के बाद ये लगता है कि यार ये तो मेरी ही जिंदगी की कहानी है, ये सब तो मेरे भी परिवार में हुआ है, ये सब तो मैंने भी देखा है। ऐसी ही एक फिल्म मैंने कुछ टाइम पहले रिव्यू करी थी, उसका नाम था गुलमोहर, और गुलमोहर के बाद अब मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी जिसका नाम है जरा हटके जरा बचके। परिवार की खट्टी मीठी शरारतों से भरी ये फिल्म जरा हटके जरा बचके। मैं ब्रीफ में तुम लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पढ़ा बड़ा हूँ एक बहुत ही छोटे से घर के अंदर जहाँ पे सिर्फ दो कमरे थे और रहने वाले थे चार। इवेंचुअली मेरी शादी हो गई और फिर मैं और मेरी वाइफ को मिला के घर में टोटल हो गए थे छह लोग। अब घर में थे दो कमरे और लोग थे छह, तो प्राइवेसी तो क्या ही रहेगी। सो एज अ यंग कपल हु वाज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, हमने भी ये सोचा था कि भैया हम पैसा इकट्ठा करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अ सेपरेट हाउस जहां पे थोड़ी प्राइवेसी हो, या फिर एक बड़ा घर ले लेंगे जहां पे हर किसी के एटलीस्ट अपने अपने कमरे हो। तो जब मैंने जरा हटके जरा बचके देखी, वहां पे भी एग्जैक्टली सेम कहानी दिखाई गई है। सारा अली खान और विक्की कौशल एक हार्ड वर्किंग लोअर मिडिल क्लास कपल होते हैं जो भैया दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं अपना घर खरीदने का। सो दिस वॉज वन पॉइंट इन द फिल्म दैट आई रिलेटेड टू द मोस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कपल्स एक ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं छोटे मकानों में, वो इस कहानी से बहुत रिलेट कर पाएंगे। जुड़ा परिवार, ढेर सारा प्यार, मानो ऋषिकेश मुखर्जी की कोई फिल्म चल रही हो। पूरी की पूरी फिल्म की कहानी एक ही चीज पर रिवॉल्व करती है और वो होता है सारा अली खान और विक्की कौशल का कंबाइंड सपना एक अपना पक्का मकान लेने का। विक्की कौशल का जो कैरेक्टर है वो होता है योगा टीचर का, वाइल सारा अली खान का जो कैरेक्टर है वो होता है एक टीचर का। विक्की कौशल का जो कैरेक्टर है ना, वो हमेशा कंजूसी से पैसा बचाता है, एक रुपया दे दिया, टिप नहीं दी, जहां थम्स अप थोड़ी सी पड़ी रह गई पी गई, सौंफ खा के निकलना ही निकलना है वहां से क्योंकि पैसा दिया है उस चीज का। तो इस चीज से भी काफी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो एक इतनी तंग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ होता है बचपन से लेके बड़े होने तक। जी प्राय आदमी नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ। यहाँ पे ना लिखाई बहुत सोच समझ के करी गई है। ऐसे ही कपल्स को, ऐसे ही लड़कों को जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी समझ के यहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखा गया है। पिक्चर का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल एलिमेंट लव स्टोरी है, लेकिन वो टिपिकल बॉलीवुडिश लव स्टोरी नहीं है। वो इतनी सेंसिबिलिटी से लिखी गई है कि मेरे हिसाब से कोई भी अगर स्ट्रगलिंग कपल जो हैंड इन हैंड चल रहा है, जिन्होंने कसम खा लिया कि भैया अब जितने धक्के खाएंगे साथ में ही खाएंगे, वो ये कपल की लव स्टोरी देख के ना कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड कर लेगा। तो मैं हॉस्टल छोड़ने आता था, जब भी तू गेट के अंदर जाती थी ना, दिल में ना ऐसा जॉइंट फैमिली का जो सेटअप दिखाया गया है फिल्म की शुरुआत में ही, वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से लिखा गया है और दिखाया गया है। एंड थैंक्स टू दिस, कोई भी जोक जो भी है फिल्म के अंदर वो बहुत सिचुएशनल है, कहीं भी क्रिंज या फोर्स नहीं लगता। एंड येट अगेन आई वाज अमेज्ड कि विक्की कौशल ने गोविंदा नाम मेरा के बाद एक और कॉमेडिक रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। पिक्चर सेट है इंदौर और ग्वालियर के बीच। अब इंदौर और ग्वालियर में लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज जो हैं वो कैसे फंक्शन करती होंगी, उनका फैमिली डायनामिक्स कैसा होता होगा, उनका कपड़ों का पहनावा कैसा होता होगा, विक्की कौशल और सारा अली खान बीइंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, उनका पहनावा कैसा है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है अपने आउटफिट्स पे खर्च करने के लिए, तो उनका पहनावा कैसा होगा, जितना ऑर्गेनिक लग सकता था मेरे हिसाब से अटेंशन टू डिटेल उतनी दी गई है हर कैरेक्टर को। सरकारी फ्लैटों की अलॉटमेंट होती है कुछ चुनिंदा तबके के लोगों को हमारे देश में ऑलमोस्ट हर स्टेट में। मैं दिल्ली से हूं तो इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि कैसे सारा अली खान और विक्की कौशल एक प्लान रचते हैं कि उनको एक सरकारी अलॉटेड घर मिल जाए। अब ये देख के मुझे दोबारा से इतनी रिलेटेबिलिटी इसलिए फील हुई क्योंकि मेरे घर वालों ने भी, मेरे को याद है, ऐसा ही फॉर्म भरा था और बहुत धक्के खाए थे तकरीबन 6-8 महीने तक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको जाके पता लगा कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी के नहीं हो, आपको ये घर अलॉट नहीं हो सकता। और उसके बाद जब जनरल लोगों के लिए भी ये खुला था तब भी हमारी वॉय लॉटरी नहीं लगी थी, तो इसको देख के मेरे मुंह में मेरे चेहरे पे एक हंसी थी। अल्टीमेटम दे रही हूं, अगली बार हाथ लगाया ना तो FIR कर दूंगी। अच्छा, जब इन सरकारी फ्लैटों के अलॉटमेंट स्कीम्स के लिए तुम ऑफिस जाओ, दफ्तर जाओ सरकारी, तो वहां पे अगर तुम्हारा काम नहीं बनता तो तुम्हारे को ना स्पॉट कर रहे थे कुछ दलाल,
जो तुम्हारे को प्रॉमिस करते हैं कि आप ऐसा 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 करिए, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है और हम तुम्हारे को फ्लैट दिलाएंगे। और यहाँ पे भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है विच मेरे हिसाब से आउटशाइन्स एवरी अदर कैरेक्टर इन दिस फिल्म। इनामुल हक भाई साहब दिन में होते हैं क्लर्क, सरकारी चाय पिलाने वाले क्लर्क, जो रात को एक एजेंट बन जाता है जो घूसखोरी करके ऐसे कपल्स को फंसा के ये बताता है कि भैया तुम इतने पैसे लाओ और मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे को फ्लैट अलॉट होगा। और जो इनकी डायलॉग डिलीवरी रही है थ्रू आउट ऑल द कॉमिक सीन्स, मजा आ जाएगा देख के। हो सके तो इनको मेडिकली अनफिट कर दो। तुम यार पहलवान मेरी मारने पे कितने हो। अनदर सपोर्टिंग कास्ट मेंबर हु इज वेरी फन टू वॉच इन दिस फिल्म इज हिमांशु कोहली, जो प्ले करता है एक डेडबीट लॉयर एंड विक्कीज फ्रेंड। अब भैया उसका जो पोर्ट्रेयल है ना डेडबीट डिवोर्स लॉयर का, वो ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट है और हिलेरियस है। मिराज, ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। गैसलाइट जैसी वाहियात फिल्म देने के बाद मुझे सारा अली खान की एक्टिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे विक्की और सारा की जो केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लगती है एंड सारा हैज गिवन अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू हर पास्ट परफॉर्मेंसेस। विक्की और सारा की परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ तुम्हें बहुत आउटस्टैंडिंग लगेगी इसकी सारे के सारे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस। एक से एक मंजे हुए कलाकार हैं और जिनको जो रोल दिया गया उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से उसको निभाया है। फिल्म के गाने स्पेशली फिर और क्या चाहिए ये काफी स्टिक कर जाएगा तुम्हारे सबकॉन्शियस में। जब से मैंने सुना भैया मैं तो उसको गुनगुना ही रहा हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है फिल्म का, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। अब ये तो हुई फिल्म की अच्छी बातें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजों पे ये फिल्म अगर और इंप्रूव करती तो ये पिक्चर एक इंस्टेंट हिट बन जाती। नॉट नेसेसरीली अ ड्रॉबैक, बट मेरे को ये लगा था कि ये पिक्चर डेढ़ घंटे के अंदर कैप हो सकती थी, खत्म करी जा सकती थी। दो घंटा थोड़ा ज्यादा लथार्जिक लगता है, थोड़ी ज्यादा ड्रैग होने लग जाती है कहानी। शारिब हाशमी भाई साहब एक आउटस्टैंडिंग एक एक्सीलेंट एक्टर है, उनका रोल इस पिक्चर के अंदर भी बहुत एक्सीलेंट है, उन्होंने निभाया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे को लगा उनका जो रोल था उसके बिना भी ये पिक्चर आगे बढ़ सकती थी। ऑल्दो ये पिक्चर थ्रू आउट इट्स रन टाइम तुम्हारे को मल्टीपल इमोशन से रूबरू कराएगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड लास्ट के 15 मिनट स्पेशली द क्लाइमैक्स वो मुझे काफी ज्यादा अटपटे लगे। मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तुम देखना तुम्हें भी कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ा ऑफ था, ये अगर अलग तरीके से लिखा जाता तो काफी सही रहता। गोपी के साथ मिलन के पुलाव पका रही है, गोपी तो छोरे का दाब होता है। अरे वही तो टेंशन है, आजकल के लोंडे भी तो दिशाहीन हो गए। या ये पिक्चर फैमिली के साथ देखी जा सकती है तो मैं तो यही कहूंगा एब्सोल्युटली 100% देखी जा सकती है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से यार किसी का भाई किसी की जान फैमिली एंटरटेनर नहीं है, ऐसी पिक्चरें फैमिली एंटरटेनर है जहां एक दूसरे के साथ बैठ के हेल्दी एक पिक्चर देखी जाए और उससे कुछ सीखा जाए। क्या थिएटर में देखना जाना वर्थ है? मैं ये कहूंगा कि हाँ वर्थ है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो जब भी ये OTT पे आए तो वहां पे जरूर देखना, वर्थ है ये फिल्म को देखना। एक चीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फील होती है और वो ये है कि जरा हटके जरा बचके और गुलमोहर जैसी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में, हाइपर रिलेटेबल फिल्मों को ना ज्यादा लोग थिएटर पे देखने जा नहीं रहे हैं, जो बहुत गलत है। अगर हम मसाला जैसा जो देखने जाते हैं कभी कभार ठीक है सही है चले गए, लेकिन ऐसी स्लाइस ऑफ फिल्मों को देखने जाना भी चाहिए थिएटर पे, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी और फिर हम वही रोएंगे कि मसाले के नाम पे हमारे को गोबर खिलाया जा रहा है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू ऑफ जरा हटके जरा बचके। येट अगेन विक्की कौशल ये प्रूव करता है कि भैया उसकी जो एक्टिंग रेंज है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत बड़ा है, उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको और मौके मिलने चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए वो एक रोल में। बहरहाल ये था मेरा रिव्यू, अगर तुम्हारे को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना, और साथ ही साथ एक रिमाइंडर देता हूं ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अगले हफ्ते, कौन सा रोस्ट चाहिए वो डालते जाना इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं नेक्स्ट वीक कौन सा रोस्ट निकालूं तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए मामा मियां लज़ानिया पप्पी, बाय बाय।